आज नमस्कार। आज हम ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 विषय गणित इसके अंतर्गत अध्याय 18 प्राइम का और इसमें हम आज एक सिक्के के लगातार 3 उछाल में एकांतरत चित्त या कटाने की प्रायिकता ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, एक सिक्का इसको 3 बार उछालना, जैसे एक सिक्का लिया तो 3 बार उछालेंगे सिक्के के उछालने पर, या तो हेड आता या टेल आता, लेकिन सिक्के को अपने को क्या करना, 3 बार उछालना। जैसे एक बार उछाला, फिर वापस उसी सिक्के को दूसरी बार उछाला, फिर वापस उसी सिक्के को 3 बार उछाला। ठीक है ना, तो 3 बार उछालने पर हमारे पास में एकांतरत चित्त या कटाने की प्रायिकता, ये हमारे को बतानी है, ये हमारे को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक सिक्के को 3 बार जब हम लगातार उछाल रहे हैं तो क्या परिणाम हमारे को प्राप्त हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले जैसे हमने उछाला, पहले हेड आए, फिर वापस दूसरी बार उछाला, फिर हेड आए, फिर तीसरी बार उछाला, तो वापस क्या क्या हेड आए, आ सकता है ये बात, ये इस तरह की स्थिति होगी। इसी तरह से दूसरी बार, दूसरा जैसे हमने उस सिक्के को उछाला, एच आई क्या है, फिर वापस उछाला, एच आई क्या है, और फिर तीसरी बार उछाला, तो ए आ सकता है, ऐसा परिणाम। तो इस तरह से हमारे पास में दूसरा इस तरह से हो गया। ऐसे ही हम तीसरी बार तीसरे परिणाम के रूप में देखते हैं, तो एक बार एच आई गया, उसके बाद में जैसे सिक्का उछाला फिर डी आ गया, फिर तीसरी बार फिर डी आ गया, ये भी हमारे पास में परिणाम आ सकता है। इसी तरह से जो की स्थिति हम देखते हैं, एक बार एच आई गया, दूसरी बार जैसे सिक्के को उछाला डी आ गया, फिर तीसरी बार सिक्के को उछाला तो एच आ गया। ठीक है, ये चौथा परिणाम हो गया। इसी तरह से पांचवा परिणाम, तीनों बार क्या हो गया, जैसे सिक्के को उछाला तीनों बार टी आ गया, यानी कि पट आ गया, जैसे माना तीनों बार टी आ गया। इसी तरह से अगली स्थिति में जैसे मैंने सिक्के को उछाला, एक बार टी आ गया, फिर दूसरी बार फिर टी आ गया, और तीसरी बार में एच आ गया। इसी तरह से अगली स्थिति में ये परिणाम भी हो सकता है, जैसे मैंने सिक्के को उछाला, एक बार टी आया, फिर एच आ गया, फिर एच आ गया, ये परिणाम भी हो सकता है। फिर इसी तरीके से लास्ट में हमने देखा, एक स्थिति में जैसे माने की पहले टी आ गया, फिर एच आ गया, फिर टी आ गया। इस तरह से हमारे पास में कुल परिणाम कितने होंगे, 8। लेकिन हमारे को कहा कि एकांतरत चित्त यानी एकांतर, अब एकांतर हमारे पास में कहा इस जगह पर, बाकी स्थिति में हम देख रहे हैं ये लगातार है, ये लगातार है, यहाँ पे ये दो चीज लगातार है, लगातार है, लेकिन अपने को चाहिए था एकांतरत चित्त या पट। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 2। कितने होंगे, 2। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे एकांतरत चित्त या पट आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम की संख्या बटे विकल परिणाम की संख्या। तो अनुकूल परिणाम 2 बटे विकल परिणाम 8, 2 एकम 2 ये दो छूट गया। तो इस तरह से हमारे पास के आंसर क्या बन गया, 1/4। एकांतरत चित्त या पट आने की प्रायिकता है यानी कि एकांतर चित्त, सिक्के को हमने 3 बार उछाला। अब ऐसे ही हमारे को क्या करना है, एच डब्ल्यू की कॉपी में एच डब्ल्यू अलग करना है। कैसे, प्रश्न देख रहा है कि एक सिक्के को 2 बार उछालना या सिक्के को 2 बार उछालना, लेकिन दोनों ही बार क्या आना चाहिए, चित्त आने की प्रायिकता। ठीक है, आपकी प्रश्न आपके 18 है, उसमें प्रश्न नंबर 2 है, इसको हल करने की कोशिश करनी है। ठीक है, बराबर एच डब्ल्यू करना है, आज की तारीख डालना है, और एच डब्ल्यू हमारे को रोज का रोज जो दे रहे हैं उसको बराबर हल करना है। ठीक है,